हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू जायका विद जैनब तो आज हम बनाएंगे एग लबाबदार अंडे की एक ऐसी डिश है ये जिसे बनाना बहुत आसान है और आई एम श्योर इसके पहले आपने ऐसी डिश कभी नहीं खाई होगी इसे बनाने के लिए हमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और आप देख सकते हैं ये कितनी ज़बरदस्त बन तैयार हुई है तो चलिए हम सबसे तो पहले रेसिपी देख लेते हैं एग लबाबदार के लिए मैंने एक पैन ले लिया है कोशिश करें कि जो पैन है वो नीचे से थोड़ा ब्रॉड हो गरम कर लेंगे इसके अंदर तेल हम मैंने तीन चम्मच तेल डाल दिया है तेल गरम हो जाए तो इसमें दो बे लीफ एक सिनेमन सिक स्टिक का टुकड़ा तीन इलायची और एक चम्मच ज़ीरा ये मसाले डाल देंगे इसे ट्वेंटी तो, थर्टी सेकेंड्स तक फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज मैंने दो मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक चॉप कर लिया है आप चाहे तो चॉपर में भी इसे अच्छी तरह से फाइन चॉप कर ले इसका कलर हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है हल्का सा गोल्डन कलर हो जाए बस तब तक ही इसे हम फ्राई करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ वन टीस्पून अदरक लहसन का पेस्ट इसे भी थर्टी फोर्टी सेकेंड्स तक हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जो कच्चापन है वो दूर हो जाए अब हमें मसाले डालने हैं लेकिन उसके पहले हमें इसका हीटिंग प्रोसेस जो है वो रोकना है तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया है और मिक्स कर दे पानी को अब इससे क्या होगा कि जो हमारी प्याज है वो ज़्यादा लाल नहीं होगी तो इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा रुक जाएगा अब हमारे ड्राई मसाले डालेंगे तो एक चम्मच नमक एक चम्मच पेपरिका दो चम्मच धनिया पाउडर हाफ चम्मच हल्दी वो एक चम्मच कसूरी मेथी और एक चम्मच भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर इन सबको हम डाल देंगे अंदर अच्छी तरह से हमें मसालों को भूनना है तो यहाँ पे हमारा फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और थोड़ा सा इसमें मैं यहाँ पे हल्का एक दो टीस्पून जितना पानी डाल रही हूँ और पानी डाल के हमें इसे भूनना है तो भून जितना अच्छा मसाला भूनेंगे आप उतना अच्छा ही आपका जो ग्रेवी का मसाला है वो चढ़ेगा उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा तो इसी तरह से आप दो दो चम्मच पानी डाल के अगर भूनेंगे आपकी कोई भी ग्रेवी को तो वो बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होंगी तो यहाँ पर देखिए दो तीन मिनट के अंदर ये मसाला काफ़ी अच्छी तरह से भून गया है अब हमें इसमें डालना है पेस्ट टमाटर का और काजू का तो मैंने यहाँ पे दो टमाटर और काजू को अच्छी तरह से पीस लिया है और इसका पेस्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया है आप चाहें तो यहाँ पे बारीक चॉप किया हुआ टमाटर एक डाल दे और एक टमाटर को काजू के साथ पेस्ट बना के डाल दे जैसे भी आपको डालना है आप डाल सकते हैं मैंने दोनों को पेस्ट बना दिया और इस तरह से इसे भूनना है हमें तो फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनेंगे तो इसका जो कच्चापन है टमाटर का वो हमें ख़त्म कर देना है इतना हमें इसे भूनना है तो हल्का हल्का तेल रिलीज़ हो जाए तब हम इसके अंदर दो चम्मच क्रीम डालेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने ये क्रीम डाल दी है अगर आपको चाहे तो यहाँ पर आप जो दूध की मलाई आती है वो भी दो चम्मच डाल दें अच्छी तरह से इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और भूनते रहेंगे जितना अच्छा आप भूनेंगे उतना अच्छा तेल रिलीज़ होगा मसाले उतने अच्छे पकेंगे और हमारे जो टमाटर और हमने अभी जो क्रीम डाली है उसे भी अच्छी तरह से पकाना है तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा तेल रिलीज़ हो गया है ये देख सकते हैं आप बहुत अच्छी तरह से हमारी ग्रेवी बन तैयार हुई है तो अब हमें इसके अंदर थोड़ा पानी डालना है तो यहाँ पे मैंने एक कप पानी डाल दिया है क्योंकि हमें ग्रेवी थोड़ी लिक्विड ही बनानी है तो मैंने यहाँ पे एक कप भर के पानी डाल दिया है इसे अच्छी तरह से बॉईल करेंगे हम पहले तो इसे मिक्स कर दें आप और फिर अब इसे कवर करके हमें तकरीबन पाँच मिनट तक लो फ्लेम पर पकाना है पाँच मिनट हो गए हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो पानी हमने डाला था वो काफ़ी अच्छी तरह से ग्रेवी के अंदर मिक्स हो गया है और काफ़ी अच्छी हमें कंसिस्टेंसी की ग्रेवी मिल तैयार हुई है ये देखिए अभी तक हमने बहुत बेसिक मसाले डाले हैं कोई ऐसा फैंसी मसाला यूज़ नहीं किया है कोई मेहनत का काम नहीं है अब हमें दो हरी मिर्ची डालनी है और थोड़ा सा धनिया पत्ती डालनी है ये डाल के भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे क्योंकि जो अंडे की डिश होती है उसके अंदर वैसे भी धनिया पत्ती बहुत अच्छी लगती है अब हमें अंडे डालने हैं तो उसके पहले हमें अच्छी तरह से जो साइड का कुछ लगा है यहाँ पर वॉल्स पे उसे अच्छी तरह से स्क्रेप कर लेंगे फिर एक एक करके हमें इस तरह से जो अखे अंडे होते हैं उसे इसके अंदर डाल देना है आप चाहे तो डायरेक्टली इसके अंदर फोड़ सकते हैं अंडों को लेकिन फिर वो बराबर सेटल नहीं होते हैं इसलिए मैं इस तरह से उसे एक एक बोल में लेके और फिर ऐसे डाल रही हूँ तो जितना बड़ा पैन रहेगा आपका उतने ज़्यादा आप अंडे इसके अंदर डाल सकते हैं मैंने यहाँ पे पांच डाले हैं आप छः सात भी डाल सकते हैं बस ध्यान रखिए कि अंडों को ओवरलैप ना करें एक दूसरे के ऊपर हल्का सा मैं इसके ऊपर चीज डाल रही हूँ जो कम्प्लीटली ऑप्शनल है आप कोई भी तरह का चीज़ यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे क्योंकि धनिया पत्ती से वैसे भी टेस्ट तो अच्छा आता है या दिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है दैट्स इट अब हमें इसके ऊपर थोड़ा सा काला मीरी डालना है ताकि जो अंडे की जर्दी होती है जो योक होता है वो कच्चा कच्चा ना रहे फीका फीका ना लगे उसके लिए अब इसे कवर करके हमें 10 मिनट तक मिनिमम लो फ्लेम पर आपकी जो फ्लेम है उसे ध्यान से आपको लो रखना है 10 मिनट तक इसे पकने देना है 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि एक चोरी की हेल्प से अपन चेक कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल भी जो जर्दी है इसकी अच्छी तरह से सेट हो गई है अच्छी तरह से पक गई है तो बस ये इंडिकेशन है कि हमारा जो एग लबाबदार है वो बिल्कुल बन तैयार है फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब इसे हम डिश आउट करेंगे तो एक स्पैचुला की हेल्प से जिस तरह से हमने अंडे डाले थे बस वही पोजीशन से आपको अंडों को बाहर निकालना है और ये देखिए थोड़ा सा मसाला भी ले लेती हूँ साइड में ये रहा हमारा एग लबाबदार अंडा लबाबदार या आपको जो इसे नाम देना है वो दे बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है इसे बनाना बिल्कुल बनता है फ्रेंड्स बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत रॉयल और रिच फ्लेवर है इस इस ग्रेवी का तो आप इसे ज़रूर बनाएं मुझे आप ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर ये भी बताइएगा चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो में टिल देन ईट हेल्दी एंड ईट होम मेड फूड